अब इस क्वेश्चन में आते हैं, ए सिक्स पोल लैप ऑन डीसी जनरेटर है, हैज 240 क्वाइल्स ऑफ टू टर्न्स, ठीक है। अब ये सब बातें हो गई, 240 क्वाइल्स टू टर्न्स, ठीक है। तो टोटल टर्न आ गए, टोटल टर्न आ गए तो इंटू टू कर देंगे तो टोटल कंडक्टर आ जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न इज 0.03 ओम, यानी हियर रेसिस्टेंस इज गिवन, द आर्मेचर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर डायमीटर। अगेन ये जो लेंथ और एरिया दिया है, ये बेसिकली उस एरिया से हम डायमीटर दिया है, ये बेसिकली एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया है। अब एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, चलो ये भी दिया है, तो बी यहाँ से डी एस आ जाएगा, है ना, यहाँ से कंडक्टर्स आ जाएंगे, पोल दिया हुआ है, लैप वाउंड दिया हुआ है, तो ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा, और रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न, एक टर्न का रेसिस्टेंस गिवन है, ठीक है। एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इज जस्ट इज ऑफ 0.6 टेस्ला, इज यूनिफॉर्म ओवर पोल सू, है ना, यूनिफॉर्म एयर गैप डेंसिटी दिया हुआ है। ईच पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री मैकेनिकल। अब इसमें थोड़ा सा ये एक कॉन्सेप्ट आ गया कि बेसिकली पोल आर्क टू पोल पिच जो रेशियो वगैरह होता था पहले हमें वो देता था, लेकिन वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कुछ ऐसे पूछा जाता है जिसमें बोल दिया जाता है कि जो पोल आर्क है वो 40 डिग्री सबटेंड्स कर रहा है लेकिन मैकेनिकल दिया हुआ है। अच्छा, और ये जितनी कैलकुलेशन है हमारी ईएमएफ वगैरह कैलकुलेट करना, ये सब क्या है, तो दीज आर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, है ना। तो बेसिकली हमें ये मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल में, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होता है, पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक है जी। तो यानी इससे जो हमें थीटा इलेक्ट्रिकल आएगा, तो एक पोल का हम देख लेंगे कि कितना उसका पूरे पूरे सरफेस एरिया में ईच पोल का कितना बेसिकली फोकस है, कितना आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, नेट एरिया वो कवर कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये एंगल हेल्प करता है। फॉर ए आर्मेचर स्पीड ऑफ दिस मच 1200 आरपीएम जनरेटेड ईएमएफ एट नो लोड एंड द टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर। तो यहां पे ये सब बातें तो हैं, डिस्कस होंगी, लेकिन अब ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए फुल लोड पे आर्मेचर करंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि जो सिलिंड्रिकल ड्रम था उसको हम दिखाते कैसे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो आर्मेचर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली वो कैसा होता है, तो आर्मेचर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे हम ब्रश दिखा देते हैं, राइट। इसमें इस ये जो आपको दिख रहा है सर्कल जैसा, बेसिकली ये वही डब्बा या सिलिंड्रिकल ड्रम है। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो जनरेटेड ईएमएफ और एक आर्मेचर का रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, ये दो चीजें होंगी, और ये हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ये आर्मेचर का टर्मिनल है, राइट, दिस इज आर्मेचर। और इसको और सिंपल करके समझे तो ये जो ईजी है इसको आप एक बैटरी की तरह दिखा दीजिए, राइट, और जो आरए है आर्मेचर का रेसिस्टेंस उसको रेसिस्टेंस की तरह दिखा दीजिए, तो दिस इज ईजी एंड दिस इज आरए, राइट। तो ये इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं, तो जब कभी हम इसको सर्किट में यूज करेंगे तो कुछ ऐसा समझेंगे। अच्छा, और अगर जनरेटर है तो ये करंट हमें देता है ना, तो बाहर की तरफ हम करंट दिखा देंगे, और अगर ये मोटर होता तो ये करंट लेने लग जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, राइट। मोटर में इस ईजी का नाम ईबी, बैक ईएमएफ दे देंगे। बैक ईएमएफ क्यों देंगे, तो बेसिकली ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज यानी कि जहां आप कनेक्शन देंगे या लोड लगाएंगे, मान लीजिए ये लोड है, तो दिस इज योर वी टी, टर्मिनल वोल्टेज जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है, राइट। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आर्मेचर करंट है वो इधर आता है, तो अगर इसकी पोलरिटी देखें जनरेटर के केस में, तो हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी, बिल्कुल ओके, नो इशू। ये देखिए, ये ऐसा है, यही तो है, इस पिक्चर को ऐसे ही तो दिखा सकते हैं, आइए। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर ये मोटर होगा और मोटर में सिर्फ मैंने आपको कहा कि करंट का डायरेक्शन चेंज करिए, करंट का डायरेक्शन का मतलब अगर मान लीजिए इधर हमने सप्लाई को दिखाया है, तो बेसिकली
ये बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, एक रेसिस्टेंस और एक बैटरी जो भी वोल्टेज है, करेक्ट। बस करंट का डायरेक्शन यू हैव टू चेंज, क्योंकि मोटर यानी कि एज ए इलेक्ट्रिकल लोड है वो, तो यानी कि करंट वो लेगा, और करंट लेगा तो इसका मतलब ऐसा। तो इसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है। वो इसलिए बस बोलते हैं क्योंकि ये देखिए ये वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। जैसे ये वोल्टेज इज गोइंग टू फोर्स करंट इनटू दिस डायरेक्शन, तो दिस इज जस्ट एबल टू फोर्स द करंट इनटू अपोजिट डायरेक्शन इफ अलाउड, करेक्ट। तो क्योंकि ये वैल्यू अभी कम है वोल्टेज से, तभी करंट ऐसे है, नहीं अगर हम इस वैल्यू को बढ़ा दें, जैसे कि बहुत स्पीड पे चला दें और जनरेटेड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, कई बार हम देखेंगे आगे, तो वो क्या होगा, स्पीड बढ़ने से, या कई बार हम पढ़ते हैं डीसी मशीन में, तो ये वोल्टेज बढ़ने से कई बार ये हमें करंट देने लग जाता है, तो हम सीधी बात है बोल देते हैं कि अब ये जनरेटर बन गया, क्योंकि हम स्पीड दे रहे हैं, राइट, हम घुमा रहे हैं, ठीक है जी। तो यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्मेचर टर्मिनल इज लाइक दिस। अब कितने टाइप के मशीन्स होते हैं, सीरीज, शंट, क्यूम्युलेटिव, कंपाउंड, ये सब बातें हम फिर आगे करते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमें इतनी जरूरत थी, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें केवीएल लगाने के लिए, तो आप कैसे केवीएल लगाएंगे, जैसे मान लीजिए सपोज इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, बस इसमें मैं आपको बोलूं कि ये हमारा ईजी है, ये नेट आर्मेचर रेसिस्टेंस है और करंट आई आ रहा है, तो केवीएल यानी कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे आप यहां से, ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए नेट आर्मेचर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, यही होगा ना। तो हमें नो लोड पे तो ईजी पूछ ही रहा है, राइट, जब करंट नहीं है, तो वो नो लोड पे ईजी कैसे आएगा, 5PNZ/60A करके, फिर जो आने के बाद बोल रहा है कि इतना करंट है और कुछ रेसिस्टेंस के बारे में भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और फिर जब इसमें से ड्रॉप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, राइट। अब जरा चलते हैं सॉल्व करने के डायरेक्शन में, ठीक है। तो सॉल्व करने के डायरेक्शन में जब हम चलेंगे अभी, तो जरा डेटा देखते हैं क्या क्या दे रखा है पहले, ठीक है जी। ए सिक्स पोल लैप वाउंड डीसी जनरेटर, राइट, तो यानी कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 6, ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 6, क्योंकि लैप वाउंड है, 240 क्वाइल्स ऑफ टू टर्न्स, राइट, यानी अगर हम टोटल टर्न्स के बारे में देखें तो कितना हो जाएगा, 240 इंटू 2, यानी कि 480 टर्न्स हैं। रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न इज 0.03, तो रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न यानी रेसिस्टेंस पर टर्न कितना दे रखा है, 0.03। द आर्मेचर इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर, राइट, तो यानी जो आर्मेचर है उसका भी लेंथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ये लेंथ और ये तो कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इसका डायमीटर दे रखा है, दैट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा ही है ना, 40 सेंटीमीटर, तो दिस इज 40 सेंटीमीटर, राइट। एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी की वैल्यू भी दे रखा है, कितना है, 0.6 टेस्ला, इज यूनिफॉर्म ओवर पोल्स, ईच पोल सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री मैकेनिकल। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर 40 डिग्री मैकेनिकल है तो इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल, राइट, तो पी बाई टू यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, कितना एंगल है, 40 डिग्री, राइट, तो कितना हो गया ये, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें तो उस पोल का जो कवर्ड एरिया है वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल वो एंगल बना रहा है, राइट। तो अब इसमें जब ये सब वैल्यू आ चुकी हैं तो फिर हमें ईएमएफ निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्यों,
ई जी इज इक्वल टू हमें पता है पी फाइव एन बाई 60 इंटू जेड बाई ए। अगेन क्योंकि B दे रखा है, फ्लक्स नहीं दे रखा है, तो फ्लक्स को ट्रेस करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ds, राइट। तो यहां पे B तो डायरेक्टली गिवन है 0.6 टेस्ला। अब ds, तो ds के लिए फिर से क्या करेंगे, 2 पाई r, तो r नहीं डायमीटर दे रखा है, तो पाई इंटू d इंटू l, राइट। तो कितना हो जाएगा, अगर हम ds की बात करें तो पाई इंटू डी, ये सर्कल का पेरीमीटर हो गया, इंटू एल करेंगे तो इंटू एल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल इंटू इफेक्टिव, ये तो एरिया पर पोल, ग्रॉस एरिया हो गया, लेकिन एक्चुअली पोल कितना कवर कर रहा है, तो वो हम कितना कवर कर रहा है, तो वो बेसिकली एंगल से देखेंगे 120 डिग्री डिवाइडेड बाय, जनरली एक पोल पिच कितना होता है 180 डिग्री। तो बेसिकली हमने क्या किया, वो कवर करना देखने के लिए हमने जितना वो कर रहा है और एक्चुअली वन पोल पिच कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री, तो वो तो उससे हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया बस। तो इससे हमें बेसिकली इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो दिस इज 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो फाइनली कैलकुलेट करके ये वैल्यू कितना आ जाता है, तो दिस विल कम आउट एज, अगर हम फ्लक्स डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो 0.042, ये वैल्यू सब दिया हुआ है, डायमीटर लेंथ सब रखने के बाद इसमें, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.042 वेबर, राइट। ये डीएस इसमें रख देंगे, इनटू बी कर देंगे, तो ये इतना वेबर फ्लक्स आ जाता है, करेक्ट। तो अब ये जब हमारा 0.042 फ्लक्स आ चुका है, तो अब क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स को भी ट्रेस करते हैं। कंडक्टर्स होता क्या है, 2 इंटू टर्न, और टर्न्स कितने दे रखे हैं, तो टर्न्स हैं 480, तो कंडक्टर कितने हो गए 960, है ना। तो उसमें रख देंगे, ए की वैल्यू भी पता है, पोल भी पता है, और रिवोल्यूशन पर मिनट भी गिवन है, राइट। रिवोल्यूशन पर मिनट कितना गिवन है, RPM, RPM, राइट। तो वो भी गिवन है 1200 RPM। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं और इसको बोलते हैं EG, ओपन सर्किट या नो लोड, है ना, नॉट से डिनोट करते हैं, जो हमारा ए पार्ट था। तो वो कितना हो जाएगा, 6, ये दोनों तो सेम ही है, इसको कैंसिल ही कर लेते हैं, है ना। तो दिस विल कम आउट एज, फ्लक्स कितना है, 0.042 इंटू एन कितना है, तो एन की वैल्यू 1200 RPM, राइट। 1200 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है, 960 होल डिवाइडेड बाय 60, करेक्ट। तो जब हम ये डिवाइड करेंगे तो ये कितना वैल्यू आ जाता है, तो दिस इज इजी नॉट विल कम आउट एज 806.4 वोल्ट, राइट। ये आ गया, तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट में पहली बात, ये जो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, टर्मिनल वोल्टेज, तो अभी हमने देखा ये कितना होता है, ईजी माइनस, या आप समझिए ईजी नॉट कह लीजिए, माइनस आई ए इंटू आर ए, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, तो इस क्वेश्चन में हमें द टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड आर्मेचर करंट ऑफ 40 एम्पियर, तो यहां पे हमें करंट दिया हुआ है 40 एम्पियर, राइट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, ये भी दिया हुआ है 40 एम्पियर। तो अगर हम आर ए कैलकुलेट कर लें, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा, राइट। तो अगर आर ए अगर हम कैलकुलेट कर लें, तो ये बेसिकली जो रेसिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम वो देखते हैं किसका रेसिस्टेंस गिवन है, राइट। टू टर्न्स, रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न इज 0.03 ओम, ओके।
रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न, करेक्ट, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस पर टर्न इज दिया हुआ है 0. रेसिस्टेंस पर टर्न इज 0.03 ओम, राइट। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे अगर हम डायग्राम से देखें तो ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा मैं। ऐसे करके टोटल कितने हैं पैरेलल पाथ, 6 पैरेलल पाथ है, राइट, 6 पैरेलल पाथ है, ए इज इक्वल टू 6, यही दे रखा है ना, 6 पैरेलल पाथ है। तो अब अगर 6 पैरेलल पाथ हैं तो जितने भी टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स कितने हैं, टोटल टर्न्स हैं 480। तो एक पैरेलल पाथ में टर्न्स पर पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, तो 480 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि कितने हो गए, 80, राइट। तो पर पैरेलल पाथ हमारे टर्न्स कितने हो गए, 80। अच्छा, तो अगर 80 टर्न्स हैं और एक टर्न का रेसिस्टेंस पता है तो टोटल रेसिस्टेंस इस पाथ का पता चल जाएगा। हाँ जी सर, तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ पर पाथ या पर पैरेलल पाथ, राइट। तो कितना हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ वन टर्न दैट इज 0.03 इनटू जो जितने भी टर्न्स हैं हमारे, करेक्ट। तो ये कितना आ जाता है, 2.4 ओम, करेक्ट। तो ये 2.4 ओम रेसिस्टेंस आ गया एक पाथ का। लेकिन अगर ये एक पाथ का रेसिस्टेंस है तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो अभी भी नहीं आया, तो कितने पाथ हैं, तो सर 6 पाथ हैं। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस अगर देखें तो 2.4 ओम कनेक्टेड इन 6 पाथ, तो डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 0.4 ओम। तो अब जाकर के ये हमारा आर्मेचर का रेसिस्टेंस आया, और जब आर्मेचर का रेसिस्टेंस आ चुका है तो अब तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजी नॉट यानी कि 806.4 माइनस जो भी आईए की वैल्यू, आईए की वैल्यू कितनी थी, तो दैट इज बेसिकली 40 एम्पियर, यस 40 एम्पियर, 40 एम्पियर इनटू 0.4। तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाता है 790.4, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व।